हेलो फर्स्ट क्लास, दिस इज़ योर मैथ सब्जेक्ट एंड टुडे विल डू योर चैप्टर नंबर 2। सो स्टूडेंट, आप अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल टॉप पर देखो, आपको टॉपिक गिवन है रोलिंग एंड स्लाइडिंग। ऑब्जेक्ट हैविंग कर्व्ड सरफेस रोल एंड ऑब्जेक्ट हैविंग फ्लैट सरफेस स्लाइड। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जिसका सरफेस यानी कि जिसकी सतह एकदम कर्व्ड होती है, कर्व्ड शेप यानी कि घूमी हुई, राइट, घुमावदार होती है, वो आपका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करता है, रोल करता है यानी कि घूमते हुए जाता है, राइट। इसी तरीके से वो ऑब्जेक्ट जिसका जो सरफेस है फ्लैट होता है यानी कि बिल्कुल उसका जो सतह होता है चपटा होता है, वो आपका स्लाइड करते हुए जाती है। जैसे कि आप पिक्चर में, आप नीचे देख सकते हो, आपको फर्स्ट पिक्चर बॉल का गिवन है। अब बॉल आपका कैसे करता हुआ जाएगा, रोल करता हुआ, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो कर्व्ड है, राइट, यानी कि घुमावदार है, गोल शेप का है। इसी तरीके से सेकंड पिक्चर में देखेंगे बुक गिवन है, बुक आपका, बुक का जो आपका सरफेस है, जो उसकी सतह है, वो कैसी है, फ्लैट है, तो वो स्लाइड करते हुए जाएगी, ठीक है। तो दो चीज़ पता चल गई, जो कर्व सरफेस होता है वो रोल करता है एंड जो फ्लैट सरफेस होता है वो स्लाइड करता है। नाउ कम टू द प्रैक्टिस टाइम 2.2। राइट आर फोर ऑब्जेक्ट विच कैन रोल एंड एस फोर ऑब्जेक्ट विच कैन स्लाइड। अब हमें इस यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है, इस पिक्चर को देख कर आपको ये पता लगाना है कि कौन सी पिक्चर आपकी रोल करेगी एंड कौन सी पिक्चर आपकी स्लाइड करेगी। तो रोल के लिए आप उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे एंड जो पिक्चर आपकी स्लाइड करेगी उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी इरेजर है, आप देख सकते हो उसका जो सरफेस है वो कैसा है, फ्लैट है। तो यहाँ पर आपका ये क्या करेगा, स्लाइड, क्योंकि जिसका सरफेस फ्लैट होता है वो आपकी ऑब्जेक्ट, वो आपकी चीज़ स्लाइड करती है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट में आ जाएगा एस। सेकंड पिक्चर है आपकी बुक, बुक भी आपकी सरफेस फ्लैट है बुक की, तो यहाँ पर भी आप एस लिखेंगे। थर्ड पिक्चर है आपका एक बॉटल। अब देखो, बॉटल आपकी नीचे, अगर आपने ध्यान दिया होगा स्टूडेंट, तो आपकी जो बॉटल होती है, ये माजा की या प्लास्टिक की कोई भी बॉटल होती है, उसका सरफेस देखना कभी, तो कभी भी फ्लैट नहीं होता बिल्कुल, वो अंदर की तरफ थोड़ा सा कर्व्ड शेप का होता है। तो यहाँ पर आप, अब क्योंकि कर्व्ड शेप का होता है, तो यहाँ पर ये बॉटल में क्या हो गई आपकी, रोल, राइट। तो यहाँ पर आप इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, आर से। फोर्थ है आपका मैच बॉक्स। अब मैच बॉक्स का सरफेस है आपका फ्लैट, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एस यानी कि स्लाइड। फिफ्थ पिक्चर आपको एक पेन है गिवन। अब पेन का जो सरफेस है, यू कैन सी कर्व्ड सरफेस है ये, है ना, तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा आपका रोल यानी कि आर। सिक्स्थ पिक्चर आपको एक कंटेनर गिवन है, उसका जो सरफेस है यानी कि जो उसकी सतह है वो नीचे से देखेंगे, वैसे तो वो सिलेंड्रिकल है बट हमें नीचे से देखना है कि वो स्लाइड करेगा या रोल करेगा। तो ये जो आपका पिक्चर है, ये आपका यहाँ पर आएगा एस, स्लाइड, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट है, राइट, वो आपका बिल्कुल फ्लैट है, तो इसीलिए आपका ये पिक्चर स्लाइड करेगा। तो यहाँ पर आप सिक्स में क्या लिखेंगे, एस। सेवन आपका एक क्यूब है, क्यूब का जो सरफेस है वो भी आपका फ्लैट है, तो यहाँ पर भी आप इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि स्लाइड। एट पिक्चर है आपकी बॉल की। अब बॉल का तो आपको पता है कि सरफेस कर्व्ड है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे यानी कि रोल करेगा ये। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, लाइन। नाउ यू कैन सी स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देखो, ए और बी आपको टू पॉइंट्स गिवन थे, आपने उसको जॉइंट कर दिया, तो वो क्या बन गई, ए एंड बी आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.3। अब आपको साइड में देख रहे हो, अपनी राइट साइड, पिक्चर, ये जो आपको पिक्चर गिवन है राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पर आपको शेप्स गिवन है, आपको इन शेप्स को आइडेंटिफाई करना है, इनको पहचानना है और उसके बारे में कुछ लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखना है वो देखेंगे। फर्स्ट आपको स्टेटमेंट बोली गई है,
द फिगर ड्रॉन इज अ, ये फिगर जो आपका यहाँ पर ड्रॉ है ये कैसा है, अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल शेप है ये। तो आपका फर्स्ट जो ब्लैंक है इसमें आप क्या फिल करेंगे, रेक्टेंगल। सेकेंड, इट हैज़ डैश स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये है कि इसके इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन कितनी है, ऊपर देखो 1, 2, नीचे 3 एंड साइड में लेफ्ट साइड में 4, यानी कि टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन है, 4 स्ट्रेट लाइन है। एंड ऑल्सो इट हैज़ 4 कॉर्नर्स, यानी कि कॉर्नर यानी किनारा, किनारे वो भी बिल्कुल 4 ही हैं, ऊपर 1, 2, 3, 4, राइट। तो आपका यहाँ पर 4 आप ब्लैंक में 4 फिल कर देंगे। नाउ फोर्थ आपको स्टेटमेंट गिवन है, द फिगर ड्रॉन इज़ अ डैश। अब नेक्स्ट फिगर देखो, रेक्टेंगल के नीचे एक और फिगर गिवन है, वो है आपका स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, जो आपका रेक्टेंगल होता है उसमें आपके 2 साइड इक्वल होती हैं, राइट। यानी कि 2 साइड देखेंगे, आपकी जो 2 साइड अपोजिट होती है वो इक्वल होती है एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, चारों की चारों, और रेक्टेंगल में ओनली 2 साइड्स आर इक्वल एंड स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है आपका रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। तो अब ब्लैंक को फिल करते हैं। फोर्थ है आपका, द फिगर ड्रॉन इज अ स्क्वायर, इट हैज़ 4 स्ट्रेट लाइन, सेम चीज़ 4 ही है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर ऊपर टॉप, देन आपका राइट, देन बॉटम, देन लेफ्ट, राइट। सिक्स है आपका, इट हैज़ 4 कॉर्नर्स, सेम इसके भी 4 कॉर्नर हैं, ठीक है। नाउ सेवन्थ इज़ द फिगर ड्रॉन इज़ अ ट्राइंगल। नाउ थर्ड फिगर जो आपको गिवन है वो है आपका ट्राइंगल। एट्थ आपका स्टेटमेंट है, इट हैज़ डैश स्ट्रेट लाइन। अब इस ट्राइंगल में कितनी स्ट्रेट लाइन है, 3, 1, 2, 3, राइट। नाइन्थ, इट हैज़ 3 कॉर्नर्स, इसकी कितने कॉर्नर है ट्राइंगल के, ऊपर टॉप पे, देन आपका एक राइट साइड है नीचे की तरफ और नीचे की तरफ एक है आपका लेफ्ट साइड, यानी कि टोटल कितने कॉर्नर हुए, 3 कॉर्नर हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ए पार्ट। ए पार्ट में आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जॉइन द डॉट्स एंड ड्रॉ द फिगर्स। अब आप देख सकते हो, फर्स्ट आपको इमेज आपको गिवन है स्क्वायर। अब आपको इस स्क्वायर को इन डॉट्स को जॉइंट, ये जो जॉइंट है डॉट्स हैं इनको मिलाना है, लाइन ड्रॉ करनी है, और आपको कैसा फिगर बनाना है, स्क्वायर का, क्योंकि फर्स्ट आपको स्क्वायर फिगर गिवन है। और एग्जाम्पल के लिए आपको देखो फर्स्ट इमेज बनाकर भी दिखाया हुआ है किस तरह से आपको डॉट को मैच करना है एक दूसरे से, करेक्ट। 3-3 डॉट मैच करनी है आपको, ठीक है। फर्स्ट 1, 2, 3 इसको मैच करना है इसके, फिर इसी तरह से आपको 4 लाइंस बनाने हैं 3-3 डॉट लेकर, करेक्ट। नाउ कम टू द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में देख रहे हो, सबसे पहले बिल्कुल टॉप पर आपको 1, 2, 3, 4 4 डॉट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड फिर जैसे हम बॉटम की तरफ आएंगे, नीचे जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो करेंगे 3 डॉट से मिलाकर, पिक्चर में आप देख पा रहे हो, राइट। इसी तरीके से आप थर्ड देखेंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे बनाया हुआ है, करेक्ट। सिमिलरली सर्कल एंड ओवल हम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आपको पिक्चर गिवन है इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको कर लेंगे। तो ये आपको अपने आप करना है, ठीक है। नाउ बी पार्ट पे आ जाएंगे, मेकिंग पैटर्न्स विद ज्योमेट्रिकल शेप्स, व्हाट कम नेक्स्ट, कंप्लीट द पैटर्न। अब यहाँ पर आपको कुछ शेप्स गिवन है ज्योमेट्रिकल। अब इसमें बोला है कि अब इन शेप के बाद नेक्स्ट कौन सी शेप आएगी, आपको इस तरीके से फाइंड करके पैटर्न को कंप्लीट करना है। सी, फर्स्ट में आपको पहला क्या गिवन है, सर्कल, देन रेक्टेंगल, देन सर्कल, देन अगेन रेक्टेंगल, अगेन सर्कल। अब सर्कल के बाद व्हाट कम नेक्स्ट, रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल के बाद सर्कल, सर्कल के बाद फिर रेक्टेंगल, करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्क्वायर गिवन है, राइट।
एक आपका बिग स्क्वायर है, उसके बाद सेकंड आपका स्मॉल स्क्वायर है, देन अगेन बिग स्क्वायर, देन अगेन स्मॉल स्क्वायर, अगेन बिग स्क्वायर, देन अगेन स्मॉल स्क्वायर। अब स्मॉल के बाद अगेन कैसा स्क्वायर आएगा, बिग वाला, फिर बिग के बाद स्मॉल स्क्वायर, फिर अगेन बिग स्क्वायर, देन अगेन स्मॉल स्क्वायर। तो आपका ये पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड में देखेंगे आपको एक साइन गिवन है जो आपका कुछ प्लस साइन जैसा दिखाई दे रहा है आपको, राइट? जैसे प्लस साइन होता है ना, प्लस के बाद है आपका सर्कल, देन अगेन प्लस, अगेन सर्कल, अगेन प्लस, अगेन सर्कल, राइट? अब जो आपका नेक्स्ट आएगा वो आएगा इसकी प्लस के बाद सर्कल, देन फिर अगेन आप प्लस बनाएंगे, देन अगेन सर्कल, देन अगेन प्लस, अगेन सर्कल। और आपका ये प्लस कैसे बनाया, ये रेक्टेंगल है आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल गिवन है जो आपका प्लस साइन बना रहे हैं, करेक्ट? नाउ कम टू द लास्ट, यहाँ पर आपको स्माइली गिवन है। फर्स्ट आपका जो स्माइली है वो आप देख पा रहे हो, वो आपका एक हैप्पी स्माइली है, करेक्ट? सेकेंड वाला सैड स्माइली है, देन अगेन हैप्पी। अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका सैड स्माइली, सैड के बाद फिर जो नेक्स्ट स्माइली आएगा वो आपका कैसा आएगा, हैप्पी वाला स्माइली, देन अगेन सैड, अगेन हैप्पी। तो इस तरीके से आपको इन चारों पैटर्न को कंप्लीट करना है स्टूडेंट, ओके? तो चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया अभी यहाँ पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पर देखो आपका आपको मैंने आंसर की प्रोवाइड की है, यहाँ पर आपके 2.2 के आंसर हैं, राइट? 2.2 में आपके टोटल 8 क्वेश्चन थे जिसमें आपको पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर ये बताना था कि कौन से आपके पिक्चर स्लाइड करते हैं और कौन सी रोल करते हैं। तो जहाँ पर स्लाइड था वहाँ पे आपको एस से रिप्रेजेंट करना था और रोल की जगह पर आपको आर से रिप्रेजेंट करना था। तो देखो जैसे फर्स्ट था आपका, फर्स्ट में आपका पिक्चर स्लाइड कर रहा है तो वहाँ पर मैंने एस लिख दिया, राइट? इसी तरीके से सेकेंड वाला भी एस, थर्ड वाला आर, फोर्थ एस, देन फाइव आर, सिक्स एस, सेवन एस, एट आर। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.3 में भी मैंने आपको जो ब्लैंक्स गिवन थे जिसमें आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना था, देन उसके बारे में कुछ लिखना था ब्लैंक्स में। फर्स्ट आपका था रेक्टेंगल का पिक्चर, सेकेंड उसमें आपसे पूछा था कि कितनी स्ट्रेट लाइन है, देन फोर स्ट्रेट लाइन थी। देन थर्ड आपका पूछा था कितने कॉर्नर्स हैं, देन फोर कॉर्नर्स थे। इसी तरीके से आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ए, अब जो नेक्स्ट पेज में ए पार्ट था वो आपको जिसमें पिक्चर्स को ड्रॉ करना था कंप्लीट करके, डॉट्स को मैच करके, वो आपको आप खुद से करना है, राइट? बी पार्ट में मैंने आपको बता दिया पैटर्न कंप्लीट करना था, तो पैटर्न का सीक्वेंस देख लो। फर्स्ट का आपका पहले रेक्टेंगल, देन सर्कल, फिर इसी के आगे देखो सेकंड वाला है आपका आंसर, सेकंड का बिग स्क्वायर, देन स्मॉल स्क्वायर, देन अगेन बिग स्क्वायर, अगेन स्मॉल स्क्वायर। थर्ड में आपका पहले सर्कल आएगा, देन आपका ये प्लस साइन, देन अगेन सर्कल, देन अगेन प्लस साइन। फोर्थ जो लास्ट वन है उसमें आपका जो आएगा नेक्स्ट स्माइली वो आएगा आपका सैड, देन अगेन हैप्पी स्माइली, अगेन सैड स्माइली, देन अगेन हैप्पी स्माइली, राइट? तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। सो हेयर योर चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड योर होमवर्क स्टूडेंट, आपको ये सभी काम आपका नोटबुक में एंड बुक में भी कंप्लीट करना है। तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी आपको कराऊंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।